त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भिंड में प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर रहा है। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके इसके लिए पुलिस की 5 कंपनियों की मांग की गई है। बंसल न्यूज से बातचीत में एसपी ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर और भी कंपनियों की मांग हम कर सकते हैं। एसपी ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव कराना एक चैलेंज है, लेकिन गुंडे बदमाशों की सूची बना ली गई है। जिले में करीब 2 से 2500 से ज्यादा बदमाश है जिन पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन से इन पर नजर रखी जाएगी। हमारे साथ है भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान सर। चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है सर ने। सर एक चीज ऐसा बताया, कितने कंपनियों के सर मांग की है सर? हम लोगों ने जो बल का आकलन किया है और फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान जो मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता और उसके आधार पर जो बनाया है, उसके आधार पर हम लोगों ने करीब 5 की कंपनियों की अभी डिमांड की है। सर अगर भिंड को देखें तो काफी संवेदनशील रहता है चुनाव में, खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर, तो इसके लिए क्या विशेष रणनीति आपने बनाई? पंचायत चुनाव को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो पुराने बदमाश अपराधी हैं और जो क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका हम लोग पूरा उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, प्रिवेंटिव कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो फरार अपराधी हैं उनकी हम लोगों ने सूचियाँ तैयार की हैं, उनका भी पता लगाया जाकर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ में जो भी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पर आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ करेंगे, फ्लैग मार्चेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो कुल मिला के सभी स्तर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों को भी हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया है कि उनके माध्यम से भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसमें भी तत्काल कार्रवाई करें, ताकि उनमें भी कॉन्फिडेंस आए और वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आके पार्टिसिपेट कर सकें। चुनाव की बात माने तो चुनाव भिंड में काफी संवेदनशील होते हैं, तो उस चुनाव से ड्रोन वगैरह सीसीटीवी का भी उपयोग हुआ कैमरा? बिल्कुल, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अभी नाके स्थापित कर दिए हैं, उसमें भी सीसीटीवी हम लोगों ने लगाए हैं। उसके साथ साथ जो ऐसा कोई केंद्र लगते हैं जहाँ पे किसी प्रकार की वायलेंस होने की संभावना है, कुछ इस तरह की घटना होने की संभावना है, तो वहाँ सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे। और ऐसी जगहों की मॉनिटरिंग के लिए जहाँ पे अगर एक्सेस में दिक्कत आती है या कोई इस तरह का इशू होता है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से भी रखा जाएगा कि आसपास के क्षेत्र में अगर गुंडे बदमाश आते हैं तो वो ड्रोन से पहले ही उनका सर्वेलेंस करके पता चल जाए और उन पे कार्रवाई की जा सके। ये थे हमारे साथ भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान सर। इनका साफ तौर पर कहना है कि गुंडे बदमाशों की अब कैर नहीं। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज़, भिंड।